बैक गाइस टू माय YouTube चैनल। माय नेम इज दुर्गा, यू आर विजिटिंग दुर्गा रिएक्शन में। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है उर्फी जावेद की वीडियो के ऊपर, उनकी ड्रेस सेंस के ऊपर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स गेट वॉचिंग स्टार्ट। क्या नंगी है क्या पूरी? कैसे कैसे कपड़े पहनती है? ओह गॉड, उर्फी जी गुड मॉर्निंग। ये उर्फी लग रहा ही रही है। सोसाइटी को देखो क्या सीखने को मिल रहा, बहुत अच्छा काम ये सीखेगी हमारी सोसाइटी ये सब देख के। आउटफिट तो गाइज आपने वो ट्रेलर देखा सास बहू और फ्लेमिंगो का? मैंने नहीं देखा। तो उसमें जो गाना भी है, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, ये तो पुराना है सास बहू वाला। तो ये आउटफिट उसी शो से इंस्पायर्ड है। सो उसमें ओह गॉड, इसने तो मतलब रिश्तों के रूप बदलते हैं ऐसे की तैसे कर दी। बैड एस लड़कियां हैं, सबने बिल्कुल फाइट वाइट कर दी है गन लेके। तो मैंने टॉप वैसे रखा है और फिर स्कर्ट, यू नो, उनके कॉस्ट्यूम से इंस्पायर है, जो जहाँ पे लोकेशन में सेट है। एंड आई फील इट्स अ बैडएस शो, बहुत ही सेक्सी शो है, बहुत ही अमेजिंग है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आ रहा है 5 मई को। एंड सो आई वाज मतलब आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय बैडएस वुमेन। जब भी कोई औरत लड़ती है ऐसे कुछ करती है, यू नो, अपना अपनी पहचान बनाने के लिए, बस अपना काम करने के लिए, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। सो आई वाज जस्ट रियली इंस्पायर्ड बाय द शो। वाओ, क्या इंस्पायर्ड हुई है। वाओ, सास बहू अवार्ड मिलना चाहिए। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऑन 5 मई। द ट्रेलर लुक्स अमेजिंग। जब वो शुरू हुआ था ना उसका गाना ट्रेलर में, रिश्तों के भी रूप बदलते, तो आई थॉट इट्स दैट सास बहू शो, पर बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। इट्स अमेजिंग। थैंक यू उर्फी जी। उर्फी जी उर्फी जा रही है ऊपर। नहीं, इधर ऊपर रुकिए ना, ऊपर लाइक ना, इसमें टॉप है ना, ट्रांसपेरेंट क्लियर कर दो पीछे। लग ही नहीं रहा कि टॉप पहन रखा है, ऐसा लग रहा कुछ नहीं पहन रखा। पहन के फायदे के हिसाब से ना पहने, ऐसे घूम ले। मैं दोबारा कुछ नहीं बोल रही, स्किन से क्लिप लो। बंदूक का क्या मतलब है? अपना काम करने के लिए तो हाथ में बंदूक लेके चलो ना, क्या टॉप पे कहां पे भी बना रखा बंदूक लंबा छोड़ा। क्या यार, क्या के देखना पड़ रहा है। थैंक यू उर्फी जी। उर्वी से सब इंस्पायर्ड हो रहे हैं, वो मेट्रो गर्ल वाली लड़की उर्वी से इंस्पायर्ड हुई है। वाओ, क्या भाई, क्या इंस्पिरेशन मिल रही है सोसाइटी को, कैसे कैसे इंस्पायर हो रहे हैं लोग। हमारी सोसाइटी इनको देख के क्या सीखेगी, या उनको ही देख लीजिए, एक मेट्रो गर्ल जो बहुत ही तेजी से वायरल हुई थी 19 साल की, भाई उनकी ड्रेस, उनका मेकअप देख के तो क्या मतलब। उर्फी को देख के सब, वो तो उर्फी को जानती भी नहीं थी कि उर्फी है कौन। मतलब लोग कुछ भी मेट्रो में जैसे मर्जी कपड़े पहने। उर्फी जावेद की मुझे तो ऐसा पहले लगा स्टार्टिंग में कि इन्होंने कुछ पहन ही नहीं रखा, लेकिन इन्होंने ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहन रखी थी। पहनने की ज़रूरत थी क्या? वो भी नहीं पहनती, पूरा तो दिख ही रहा था, छुपाने की ज़रूरत थी क्या उसमें? क्या करूँ मैं, क्या कह ही सकती दूसरों के बारे में। दूसरों की लाइफ है, अपनी अपनी चॉइस है, पहनो जैसे मर्जी पहनना, लेकिन थोड़ी लिमिट होती है उस चीज़ की। आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो। आप लोग अपनी सोच जरा कमेंट में बताना कि ये सब सही है कि सही नहीं है, गलत है। आप लोग अपनी थिंकिंग जरूर बताना, और आप लोग बताना कि ये वीडियो कैसा लगी है। जो भी उर्फी के फैन है, मैं भी देखना चाहती हूँ कौन कौन फैन है उर्फी के, कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाए रखना। जैसे आपने शुरू से सपोर्ट किया, वैसे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।